उत्थे मैनू याद आया कि साड़ी जमात का अजीम सरमाया हज़रत कारी मुहम्मद इदरीस आसम अल्लाह उस अपने वली दी कबर ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाए। बिला मुबालगा जिन्हां दे शागिरदां दी तादाद सैकड़ियां तो निकल के हजारां तक अलहम्दुलिल्लाह, फिर अगो उन्हां दे शागिरद अगो उन्हां दे शागिरद अल्लाह हजरत कारी साहब नू करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और ये सारे नौजवान उन्होंने शागिरदा चो ने अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه। اے بھائی کچھ اعلانات نے سماعت فرما لو। लिखिया जी मेरा मेरी बहन का बेटा 10 दिन तो लापता है, दुआ फरमाओ अल्लाह उस बच्चे नू जल्द अज जल्द अपने वालिदैन नाल मिला दे। अल्लाह हर कदम ते उदी हिफाजत फरमाए। जेड़े बच्चे वालिदैन तो दूर ने अल्लाह उन्होंने जल्द वालिदैन ना मिलाए। शेख मुहम्मद यूनस हमातड़ कलाथ हाउस वाले खजा इलाही ने वफात पा गए ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतहाई नेक आदमी सन और दीन नाल दीनदार लोगों नाल मुहब्बत करने वाले। दुआ फरमाओ अल्लाह उन्होंने करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। 5 बजे गल्ला मंडी कामोकी के अंदर उन्होंने नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। मलक अजीम साहब दे भाई सख्त बीमार ने, उन्होंने वास्ते दुआ फरमाना अल्लाह उन्होंने सेहत कामिला नसीब फरमाए। 27 फरवरी इतवार वाले दिन नमाज मगरब के बाद तुहाडी जमात दा अजीम इदारा जामिया रब्बानिया सल्फिया जी टी रोड कामों की अजीम शान महफिल हुसने किरात मुनाकिद हो रही है। उलमा दे बयानात ते माशाल्लाह तुसी हमेशा रोज़ाना ही सुनते रहिंदे हो, हुण ते खैर ना कसर रह ही कोई नहीं गई। इधरों तकरीर करके गड्डी च बहीदा, उधरों कवेतो फोन आ गया असी जी तुहानू लाइव सुनते सब है, जद्दे तो फोन आ गया जी इत्थे बह के असी सुनन डह स, हुण ते पूरी दुनिया एक मुठ्ठी च आ गई है। ते तुसी माशाल्लाह हुण मसीते जाण दी भी असां आदत हटा दिती है, उन्हें सौखा तरीका है, नाले बिस्तरे च गर्म बिस्तरे च रवो ते सुनते रवो, लाइव चलता पिया। आ लाइव जदों का आया ना इन्हें थोड़ा जा काम खराब भी किया, फायदे भी ये है ने। बहर हाल तो इंशाल्लाह 27 फरवरी यानी गालिबन अगला जुमा इतवार वाले दिन नमाज मगरब तो ये कॉन्फ्रेंस और ये महफल शुरू होएगी, जिदे अंदर कारी सईदुल्ला सईद साहब साड़ी जमात दे अजीम और चोटी दे कुर्रा चो। और इत्थे मैनूं याद आया कि साड़ी जमात दा अजीम सरमाया हज़रत कारी मुहम्मद इदरीस आसम अल्लाह उस अपने वली दी कबर ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाए। बिला मुबालगा जिन्हां दे शागिरदां दी तादाद सैकड़ियां तो निकल के हजारां तक अलहम्दुलिल्लाह, फिर अगो उन्हां दे शागिरद अगो उन्हां दे शागिरद अल्लाह हजरत कारी साहब नू करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और ये सारे नौजवान उन्हां दे शागिरदां चो ने, कारी मुहम्मद नोमान जाफर साहब, कारी अब्दुल बासत असलम साहब, कारी अदनान शफीक साहब और खसूसन साडी जमात दे अजीम सरमाया और कारी हजरत कारी अब्दुल सलाम अजीजी हफिज़हुल्ला, इंशाल्लाह वो नमाज़े मगरब भी पढ़ाएंगे। बतौर ख़ास कोशिश करो कि मगरब की नमाज उत्थे अदा करो। हज़रत कारी साहब नमाज़े मगरब पढ़ाएंगे और उस तो बाद तिलावतां दा सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू होएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं,
इसे वास्ते मगरब तो बाद रखे और आखर ते तुहाडा कोई मजा तब्दील करने वास्ते साड़ी जमात दे अजीम खतीब मौलाना कारी मुहम्मद खालद मुजाहिद साहब इंशाअल्लाह वो दरसे कुरान इरशाद फरमानगे 27 फरवरी अगले इतवार मगरब की नमाज के बाद। एक आदमी 2 लाख रुपया दे नहीं रहा, दुआ करो अल्लाह उन्हों जल्दी वापस करन दी तौफीक अता फरमा दे। ए लिखिया जी मेरा बेटा मेरी बहन का बेटा 10 दिन तो लापता है। दो बेटे लिखे जी मेरे बैरून मुल्क ने परेशान ने, अल्लाह उन्हां दियां परेशानियां अपनी रहमत ना दूर फरमाए। 20 फरवरी इतवार नमाज इशा दे बाद जामे मस्जिद बिलाल पुराना छज्जो की रोड अजीम शान दरस कुरान मौलाना एहतशामुल हक साहब भोपाल डॉक्टर याकूब साहब इंशाअल्लाह वो दरस कुरान इरशाद फरमानगे। इस तरह लिखे जी मेरे भाई वास्ते दुआ करना अल्लाह उन्होंने नेक साले तंदरुस्ती वाली औलाद अता फरमाए। ए दी शील्डर स्पैशल वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के जेरे तमाम 22 फरवरी मंगल 12 बजे गला मंडी कोई इन्ना माजूर अफराद दे उन्होंने औलाद देने वास्ते इंशाअल्लाह उन्होंने तकरीब की है। DC साहब और CPO साहब तशरीफ लियानगे। किसी मुहतरमा ने लिखा जी 1000 रुपया मस्जिद है 1000 रुपया तुहाडा दुआवें च याद रखो अल्लाह इन्हों जजाए खैर अता फरमाए। ए लिखे जी मेरे वास्ते दुआ करना अल्लाह अपना घर नसीब फरमा दे। शेख मुहम्मद जामे मस्जिद कुबा एल हदीस सल्फी चौक नुशहरा रोड इंशाअल्लाह 27 फरवरी नूं इतवार नमाज मगरब दे बाद मौलाना अब्दुल गनी मुहम्मदी साहब और इंशाअल्लाह मैं हाजिर होवांगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून।